Good morning, students. Today we are going to discuss the same chapter, that is chapter number 12, electricity. And today's topic is Ohm's law. This is the backbone of the electricity, right? So we have to learn the Ohm's law. First of all, Ohm's law. What is Ohm's law? So there was a scientist, George Simon Ohm, who performed so many experiments, and after that, these experiments, he reached at the conclusion that electric current flowing through the conductor is directly proportional to potential difference. The electric current flowing through the conductor is directly proportional to potential difference across the two ends of the conductor only when the physical conditions such as temperature, mechanical strain, etc. remains same. It means if all physical conditions are constant, the current is directly proportional to potential difference. Now, we can write this Ohm's law statement mathematically, that I is directly proportional to V. It means if V is doubled, the current is doubled. If V is triple, current will be triple, right? So I is directly proportional to V. So we can also say that V is directly proportional to I. If I is directly proportional to V, it means V is also directly proportional to I. And if we remove this proportionality sign, there will be a constant that is called resistance. R is resistance. I is current. V is potential difference. So potential difference is directly proportional to current if all physical conditions remains constant. This law valid only when all physical conditions are constant, right? Now this is a conductor, and this is a cylindrical wire or a conductor, metallic conductor. We applied a battery, right? This is a battery. Now what is the use of battery? This will create the potential difference between these two ends. Conductor ke do end hai na, left or right. इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो इस बैटरी पे डिसाइड होगा. अगर यहाँ पे एक सेल होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 1.5 वोल्ट. आपको पता है एक ड्राई सेल जो होता है वो 1.5 वोल्ट का होता है. अगर आपने दो सेल जोड़ दिए सीरीज में तो ये 3 वोल्ट की बैटरी बन गई. 1.5 प्लस 1.5 तो 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया. अगर तीन सेल जोड़े तो 4.5 हो गया. नाउ ओम्स एक्सपेरिमेंट. अब जो ओम ने एक्सपेरिमेंट किए वो किस तरीके से किए देखिए. उन्होंने क्या किया, एक कंडक्टर ले लिया. जैसे ये कंडक्टर था ना, इसी तरीके से ये कंडक्टर, इसका रेजिस्टेंस आर है, ठीक. इसके साथ कनेक्ट कर दी बैटरी और यहाँ लगा दिया वेरिएबल रेजिस्टेंस. दिस इज द रियोस्टेट. ये क्या करता है, रेजिस्टेंस को बढ़ाता या कम कर देता, वेरी कर देता. यहाँ पे ये की है. की का मतलब होता है स्विच. अगर आप इसे क्लोज करेंगे तो इसका मतलब करंट फ्लो होगी. अगर इसे ओपन करेंगे या ऑफ करेंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा. उसके बाद सीरीज में एक एमीटर जोड़ दिया. एमीटर का काम होता है करंट को मेजर करना. इसका पूरा नाम है एम्पियर मीटर. एमीटर का मतलब एम्पियर मीटर. एम्पियर इसका मतलब करंट, तो ये करंट को मेजर करेगा. और वोल्ट मीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है. इस कंडक्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये वोल्ट मीटर मेजर करेगा, ठीक. अब इन्होंने क्या किया, यहाँ से रेजिस्टेंस वेरी किया. इसका मतलब ये वोल्टेज चेंज होता चला जा रहा, ठीक है. वोल्टेज की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी. जैसे इस पर दो सेल है तो 0 से लेकर 3 वोल्ट तक वेरी हो सकता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक. तो रीडिंग कौन बताएगा, वोल्ट मीटर. और एमीटर क्या बताएगा, करंट. तो वोल्ट मीटर और करंट की जब रीडिंग ली गई तो एक ग्राफ बना और वो ग्राफ आया इस तरीके से, सीधी लाइन. इसका मतलब वी को अगर आप डबल करते हैं तो करंट भी क्या हो जाती है, डबल. अगर वी को ट्रिपल करते हैं करंट भी ट्रिपल हो जाती है.
अगर वोल्टेज को क्वाड्रिपल करते हैं तो करंट भी क्वाड्रिपल हो जाती है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे वोल्टेज वेरी कर रहा उस तरीके से करंट भी वेरी कर रही है। आप उनके अगर एक्सपेरिमेंट को देखें तो वोल्ट मीटर की पहली रीडिंग थी 1.5 वोल्ट, यानी एक ही सेल लगाए तो करंट आई 0.25 एम्पियर। जब दो सेल लगाए तो बैटरी बन गई 3 वोल्ट की, तो करंट भी देखो डबल हो गया। देखिए 1.5 का 3 हो गया, 0.25 का 0.5 हो गया। जब वोल्टेज ट्रिपल करी तो करंट भी क्या हो गई, ट्रिपल हो गई। लेकिन शर्त वही है कि फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। ये है ओम का एक्सपेरिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पे एक नई टर्म आई है रेजिस्टेंस, आर रेजिस्टेंस, अब हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए ये है रेजिस्टेंस, सबसे पहले इसकी बात करें, ये एक कंडक्टर है। कंडक्टर को हमने ट्यूब मान लिया, यहाँ पे एक नोब लगी है, इसको जब आप खींचते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई होता है, ठीक है। वोल्टेज अप्लाई हो गया तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, तो करंट किधर को आएगी, उसकी अपोजिट डायरेक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट हो जाती है, ठीक। अब देखिए अगर मैं इस कंडक्टर को देखूं तो कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव आयन्स भी हैं भाई, जब नेगेटिव चार्ज होता है फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पॉजिटिव आयन भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। मान लिया इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं लेफ्ट साइड में, या यूं माने कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो राइट साइड में जा रहे हैं, तो क्या होगा, जाते समय ये पॉजिटिव आयन भी मिलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिव आयन के साथ कोलिजन करते रहते हैं, टकराते रहते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली यहाँ तक नहीं पहुँच पाते बल्कि कई सारे कोलिजन होते हैं। दिस हिंड्रेंस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अगर आप कहीं जा रहे हैं ठोकर खा के गिर जाते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस अप्लाई हुआ, ठीक है। अगर आप एक रूम में जा रहे हैं वहाँ बहुत सारा फर्नीचर पड़ा है तो आप कई बार टकराएंगे। इसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पॉजिटिव आयन्स के साथ टकराते रहते हैं, उसी हिंड्रेंस को कहा जाता है रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हम रेजिस्टेंस को प्रॉपरली उसकी डेफिनेशन के साथ समझेंगे। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाई द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है कंडक्टर इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट के पाथ में जो हिंड्रेंस डेवलप होती है उसी को कहा जाता है रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसको अगर हम मैथमेटिकली देखें तो R इक्वल टू V बाई आई। देखिए अभी ओम्स लॉ में आपने देखा था V इज इक्वल टू आई आर था, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आई। तो हम रेजिस्टेंस को ये भी कह सकते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट, यानी वोल्टेज और करंट के बीच का रेशियो जो होता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। अब ये देखते हैं ये जो रेजिस्टेंस होता है किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो कंडक्टर की लेंथ, ये एल है, दिस इज द लेंथ, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी, इन तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। वायर की लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी उसकी रेडियस अगर ज़्यादा हुई तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और रेजिस्टिविटी जिस मटेरियल की ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जिसकी कम होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा। फॉर एग्जांपल कॉपर का रेजिस्टिविटी काफ़ी कम होती है तो उसका रेजिस्टेंस भी कम होता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक वायर जो है कॉपर वायर बनाई जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो डायमंड का रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है तो उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है। तो कुल मिला के ये तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है, रो इज रेजिस्टिविटी। दूसरी चीज़ उसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा, और तीसरा उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड थर्ड चीज इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटीरियल। नेचर ऑफ मटीरियल का मतलब रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटीरियल, वो अभी मैंने आपको बता ही दिया, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर। देखिए
जो रेजिस्टिविटी होती है वो न लेंथ पे डिपेंड करती न रेडियस पे डिपेंड करती, बल्कि वो मटेरियल पे डिपेंड करती है। अगर कॉपर की वायर है और कॉपर का स्पेयर है तो दोनों की रेजिस्टिविटी एक जैसी होगी, ठीक है। बोथ द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी वेरीज विद टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी बढ़ता है और रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है। टेम्परेचर कम करते हैं तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों कम हो जाती है। तो दिस इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ओम जॉर्ज साइमन ओम के नाम पे इसकी यूनिट को दिया गया, और ओम को दिखाते हैं इस सिंबल से, दिस इज कॉल्ड ओमेगा। ओमेगा बनाया जाता है, वो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। एक डेफिनेशन है मैथमेटिकली डेफिनेशन उसकी। रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है ओम मीटर होती है या ओमेगा मीटर, ठीक है, ये रेजिस्टिविटी की यूनिट है। और ओम किसकी यूनिट है? रेजिस्टेंस की, ठीक। नाउ कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। देखिए कंडक्टेंस का मतलब होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस। इसका मतलब 1/ रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका कंडक्टेंस कम होगा। तो इसकी यूनिट हो जाती है ओम इनवर्स, और ओम इनवर्स को लिखते हैं मो। देखो OHM किसकी यूनिट थी? रेजिस्टेंस की, उसका उल्टा हो गया MHO, मो, ठीक। इसी तरीके से कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जिसकी ज़्यादा होगी उसकी कंडक्टिविटी कम होगी, रेजिस्टिविटी अगर कम होगी तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, और इसकी यूनिट हो जाती है मो पर मीटर। आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो रेजिस्टिविटी के उसका उल्टा कर दो, ठीक है। अब आपके NCERT बुक में कुछ क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। अब आपको क्या क्या दिया हुआ? V दिया हुआ, और क्या दिया हुआ? R। आपको क्या निकालना? करंट। तो सबसे पहले जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो गिवन लिख लेते हैं। V दिया है 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस दिया है 1200 ओम, तो करंट निकालना। अब ओम्स लॉ क्या है? V इक्वल टू आई आर, वहाँ से I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई आर। V की वैल्यू रखी, R की वैल्यू रखी, दोनों को कैलकुलेट कर दिए, तो आपके पास करंट आ गया 0.18 एम्पियर, ठीक। दूसरे पार्ट में इसमें फिर से इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करनी है हीटर कॉइल की। वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस दिया है 100 ओम। ये V दे दिया गया है, ये आपको R दे दिया गया है, यू हैव टू कैलकुलेट I। अगेन गिवन V 220 वोल्ट, R 100 ओम, I कैलकुलेट करना। अगेन ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू V बाई R, V की वैल्यू सब्सिट्यूट करी, R की वैल्यू सब्सिट्यूट की, 220 बाई 100, तो आ गया 2.2 एम्पियर। ये आपकी NCERT बुक का एग्जाम्पल है 12.3, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, 12.4। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। आपको क्या दिया है? V दिया है। इट ड्रॉ द करंट 4 एम्पियर। जब इलेक्ट्रिक हीटर पे 60 वोल्ट अप्लाई किया गया तो करंट मिली 4 एम्पियर, ठीक है। व्हाट करंट विल हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज बाय 120 वोल्ट। तो सीधी सीधी सी बात है, अगर वोल्टेज को डबल कर दिया तो करंट भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, यानी 8 एम्पियर इसका आंसर आना चाहिए। लेकिन हम इसको लॉजिकली करेंगे। देखिए V1 था, यानी पहली वोल्टेज थी 60 वोल्ट, दूसरी वोल्टेज 120 वोल्ट, पहली करंट I1 4 एम्पियर, दूसरी कैलकुलेट करनी और R भी कैलकुलेट करना। तो हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, R इक्वल टू V बाई I, यानी V1 बाई I1। V1 कितना है? 60। I कितना है? 4 एम्पियर, तो आ गया 15। अब R कैलकुलेट हो गया तो आप दूसरी करंट कैलकुलेट कर सकते हो, V2 डिवाइडेड बाई R। R कांस्टेंट होता है, 120 बाई 15 कैलकुलेट होकर आ गया 8 एम्पियर। इस तरीके से ओम्स लॉ के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।